हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की RBSE क्लास 5th की इंग्लिश की 32 वर्कशीट पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वर्कशीट में हम रीडिंग और राइटिंग को कवर करेंगे। हमारा लर्निंग पॉइंट रहेगा प्रीपोजिशंस। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक पीछे की वर्कशीट्स नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप सारी वर्कशीट्स देख सकते हैं। आपके लिए एक गुड न्यूज भी है बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे फ्री ऐप का लिंक दे दिया है, आप वहां से उस ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। आपको ये जो चित्र है इसे ध्यान से देखना है। तो इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, जो ये बॉल है ये मेज के नीचे है, तो नीचे के लिए हम यूज करते हैं अंडर। ओके बच्चों, और ये जो कुर्सी है ये इस टेबल के साथ में, इसके लिए हम यूज करते हैं बिसाइड, जो पास में हो साथ में हो। और ये देखते हो बच्चों, ये बुक है और ये है कप। इसके बीच में, जब दो जनों चीजों के बीच में कोई चीज हो उसके लिए हम यूज करते हैं बिटवीन। और अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये जो बुक है ये टेबल के ऊपर है, इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन। तो ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज ए बोर्ड अंडर द टेबल, मेज के नीचे एक बोर्ड है। देयर इज ए चेयर बिसाइड द टेबल, मेज के साथ में, मेज के पास में एक कुर्सी है। मेज के बिसाइड का मतलब बगल में भी हो सकता है, मेज के बगल में एक कुर्सी है। देयर इज ए वॉच बिटवीन द बुक एंड द कप, जो ये घड़ी है ये किताब और कप के बीच में, दो चीजों के बीच में कोई चीज पड़ी हो तो उसको हम करेंगे बिटवीन। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, मेज के ऊपर एक किताब है। अब हम आगे चलते हैं और हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। आर्यन इज सिटिंग डैश दी क्लासरूम, देखिए ऑन का मतलब होता है बच्चों पर, और इन का मतलब होता है मी, और अंडर का मतलब होता है नीचे। तो आप बताओ आर्यन क्लासरूम पर है, मी है या नीचे। मी है ना, इन आएगा इन द क्लासरूम। डिवाइड द मैंगोज, अब देखो बिटवीन का मतलब बीच में, अंडर मतलब नीचे और ऑन मतलब पर। तो अब यहां पे आएगा कि आमों को राहुल और लोकेश के बीच में बांट दो, बिटवीन। नेक्स्ट है द लॉयन इज स्लीपिंग इन, इन मतलब में, ऑन मतलब पर और अंडर मतलब नीचे। शेर पेड़ में सो रहा है, पेड़ पर सो रहा है या पेड़ के नीचे सो रहा है, तो बच्चों क्या आएगा अंडर। नेहा इज गोइंग टू का मतलब होता है बच्चों को, इन मतलब में और ऑन मतलब पर। नेहा स्कूल में जा रही है या पर जा रही है, स्कूल को जा रही है या के लिए, यहां आएगा टू, गोइंग टू स्कूल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको सारे जो वीडियो है ना वो फटाफट मिल जाएं। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से हमारा फ्री ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।